नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं मुंबई आस पास के सटे उपनगरों की राजनीति, समाज सेवा, अपराध जगत की अहम खबर को जो सुर्खियां बनी हुई है। आज हम बात करेंगे शिवसेना की। जी हाँ, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी पर अधिकार को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के प्रति पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे और वर्तमान पार्टी अध्यक्ष के प्रति वफादारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए पंजाब राज्य शिवसेना प्रमुख योगराज शर्मा वफादारी का हलफनामा जमा करने मुंबई पहुंचे। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र शिवसेना अब्जड़ भातुक सेना महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा के साथ मिलकर 550 हलफनामा उनको देकर उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। इस भेंट के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए पंजाब राज्य शिवसेना प्रमुख योगराज शर्मा ने कहा, शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे की थी, उद्धव ठाकरे उसके प्रमुख हैं और रहेंगे। खून से सींचा है, पत्ती पत्ती से आस करा है, नियते बागवां दुरुस्त नहीं, गुलशन पर हक हमारा है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं शिवसेना के राज्य प्रमुख पंजाब योगराज शर्मा जी, जिन्होंने महाराष्ट्र प्रवास पर हैं, मुंबई में हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की और क्या बात हुई, किस तरह बात की और उनको क्या किस तरह का प्रतिसाद मिला, हम उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या स्थिति। शर्मा जी, मान परिवेश में शिवसेना का काफ़ी विवाद चल रहा था, शिंदे गुट बना, इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके पंजाब पे, आप पे क्या किस तरह का पड़ा? देखिए, शिवसेना एक समुंदर है, समुंदर में से 10-20-50 लोटे कोई पानी अगर निकाल लेता तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो हालात आप बता रहे हो महाराष्ट्र के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवसेना के जो हैं वो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में करोड़ों शिवसेना के जो है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विदेशों में भी शिवसेना को प्यार करने वाले लोग हैं। तो कुछ स्वार्थी लोग हर संगठनों में रहते हैं, अपनी स्वार्थ, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर कुछ लोग कुछ टकों की खातिर बेकर संगठन को तोड़ना चाहते हैं तो मेरे को लगता है असंभव सी बात है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है, वो रहेगी, और शिवसेना को प्यार करने वाले जो शिवसैनिक हैं वो हमेशा ही बाला साहब ठाकरे उनके परिवार के साथ, मातोश्री के साथ, सेना भवन के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा हमें काफ़ी देखो, अब युवा प्रमुख जो आदित्य साहब ठाकरे हैं पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर, तो देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए और एक उनको हौसला देने के लिए कि आप ठाकरे परिवार जो है अपने आप को अकेला मत समझे, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारतवर्ष जो है वो ठाकरे परिवार के साथ। आपने पंजाब में जिस तरह जब ये विभाजन हुआ, ये टूट गई, तब किस तरह से आपने रिएक्शन किया पंजाब के लिए? नहीं देखिए, रिएक्शन तो अगर कोई शिवसेना के साथ गद्दारी करेगा तो उसका रिएक्शन अकेले पंजाब में नहीं, पूरे भारतवर्ष में रहता है। पंजाब में भी शिवसैनिकों ने, जिन लोगों ने पार्टी के साथ गिरफ्तारी किया, बड़े ऊंचे पदर पे उनके पुतले जलाए, उनके खिलाफ रोज़ मुजाहरे किए, मतलब जहां तक सोशल मीडिया में 20-20 लाख लोगों ने पंजाब के उस जो शिवसैनिकों का जोश देखा, तो कईयों ने महाराष्ट्र से भी हमें अप्रोच किया, महाराष्ट्र से भी अप्रोच किया, मीडिया ने अप्रोच किया। तो ऐसी कोई भावना नहीं है, शिवसेना में राणे युग ख़त्म हो गया, राज ठाकरे युग ख़त्म हो गया, जो गिरदार थे आज वो वहाँ तक सीमित है, भी अपने ही क्षेत्र में, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अपनी सीट बचाने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कहीं हमारी सीट ना खो जाए। और जिन लोगों ने, जिन शिवसैनिकों ने इन लोगों को, गद्दार लोगों को दिन रात मेहनत करके विधानसभा में भेजा, तो लोग आज रोड़ों पर हैं,
वो लोग बोल रहे हैं, ठाकरे परिवार को बोल रहे हैं, शिवसेना को बोल रहे हैं, आप आगे बढ़िए, समाज आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है, महाराष्ट्र पूरा आपके साथ है। तो मुझे लगता नहीं है जो लोग गिरदारी करके, जहाँ भाजपा के लोगों ने जो सेंध शिवसेना में किया, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो लोग गद्दार हैं उनका राजनीतिक भविष्य जो है मेरी नज़र से वो खतरे में है, क्योंकि उनके राजनीतिक भविष्य के भविष्य पे मुझे लग रहा है कि वो ताला लगने वाला है। आपने उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की और क्या आपने उनके लिए आश्वस्त किया और उन्होंने किस तरह से? नहीं, देखिए हमारे पंजाब की जितनी भी कार्यकारिणी है स्टेट की, जो स्टेट की कार्यकारिणी है प्रदेश पद्धर की, बिना पूछे ठाकरे साहब के बिना कहने पे कम से कम 550 के करीब एग्रीमेंट विद एफिडेविट मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आप पंजाब की ओर से ये एग्रीमेंट आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे तक पहुँचाइए, ताजो उन्हें इस बात का संदेश मिले कि पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली प्रदेश, सारे प्रदेश जो है, जो शिवसेना के पदाधिकारी है, जो बाला साहब को प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति करने वाले लोग हर संगठन में रहते हैं। तो शिवसेना को मेरा अपना मानना चाहिए अभी शिवसेना को ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवसेना के साथ जब जब किसी ने विरोध किया उसके बाद शिवसेना जो है बढ़ चढ़ कर आगे आई है और शिवसेना का जो जनादेश है वो बड़ा है। उद्धव ठाकरे से जब आप मिले और आपने एफिडेविट दिए तो क्या उनकी प्रतिक्रिया थी और आपको कैसा लग रहा था? अरे साहब, भारतवर्ष में अपने सभी शिवसैनिकों को प्यार करते हैं, और मैं आपको ही जानकारी के लिए, मेरे भाई मरवा साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, सती जी हमेशा जिनके पास हम आते रहते हैं, ये भी मेरे साथ ही थे, इनके नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय संगठक जो है श्री अशोक तिवाड़ी जी, हम किट्टे मातोश्री में गए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, महाराष्ट्र से काफ़ी लोग उनको मिलने आए हुए थे, तो सबसे पहले पंजाब वालों का नंबर लगा, पूरे आदर और सम्मान के साथ वहाँ बोला गया कि सबसे पहले जो पंजाब से हमारे शिवसैनिक आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो बहुत ही इज्जत सम्मान के साथ हमें देखा गया, हमें वहाँ बोलने का मौका दिया गया और हमें काम करने के लिए शाबाशी दी गई कि आप डटे रहिए क्योंकि आप बाला साहब के सिपाही हैं। क्योंकि पद जो शिवसेना में पद है ना, पद वो सबसे बड़ा, बाला साहब बोलते थे भी मेरे शिवसैनिक का पद पार्टी संगठन में सबसे ऊपर है। एक छोटे मोटे बानिया जैसे मैं राज्य प्रमुख पे काम कर रहा हूँ, इसी तरह देखो बाला साहब ठाकरे अपने शिवसैनिकों को बहुत प्यार करते थे, वो आज भी परिवार जो है उनकी नीतियों को लेकर चल रहा और पूरा समाज जानता है कि मातोश्री जो है वो एक शिवसैनिकों के लिए एक सम्मान वाली जगह है, एक मानने वाली जगह, एक मंदिर जैसी जगह। आप राज्य प्रमुख हैं, आखिरी सवाल होगा, राज्य प्रमुख और पंजाब से महाराष्ट्र तक उस स्थिति में आए जब शिवसेना एक तरह से देखा जाए संकट में है, भले आप माने ना माने, लेकिन इस संकट को उबारने के लिए पंजाब प्रमुख क्या करें? देखिए मेरा अपना मानना है ये कोई संकट नहीं है, शिवसेना कभी भी अपनी राजनीति की इच्छा पूर्ति के लिए राजनीति नहीं करती, शिवसेना हमेशा समाज सेवा के साथ जुड़ी रही है। जो बाला साहब ने हमें सिखाया कि 80% तो समाज सेवा करनी है, 20% हमने राजनीति करनी है, तो शिवसेना का वो कर रही है। चाहे कोरोना काल पीछे रहा, मेरे पास मेरे भौतिक सेना के प्रदेश के महासचिव बैठे हैं, मुझे क्या सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है बॉम्बे में शिवसैनिक जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। तो शिवसेना तो समाज की सेवा कर रही है, शिवसेना को किसी मंच की जरूरत थोड़ी है, शिवसेना एक ब्रांड है, शिवसेना तो खुद एक ब्रांड है। तो मुझे लगता है अभी शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज हमारे 56 के करीब मतलब के आमदार थे तो आने वाले समय में मेरे को लगता है 100 क्रॉस करके जाएगी शिवसेना। क्या अपील करेंगे आज, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि पंजाब से आप महाराष्ट्र में आए, क्या अपने शिवसैनिकों से आखिर में अपील करके जाएंगे? देखो मेरा अपील करने का एक ही माध्यम है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जैसे शिवसेना पीछे चल रही है, जैसे शिवसेना समाज कर रही है, जैसे शिवसैनिकों की आस्था मातोश्री में है, सेना भवन में है, हमारे ठाकरे परिवार के साथ है, इसी तरह उनके बताए मार्ग पर हमारे शिवसैनिक चलते रहें, बागी आते रहेंगे बागी जाते रहेंगे, लेकिन शिवसेना जहां खड़ी है वहां खड़ी रहेगी, इसी तरह समाज में काम करती रहेगी।
जो शिवसैनिक का आज देखो पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक जो हैं और रोडों पे खड़े होकर जवाब दे रहे हैं बागियों को, मैं इस पर क्या कहूँ। मुझे लगता है भी मैं अपने आप को बहुत एक गर्व महसूस कर रहा हूँ भी मैं इस महाराष्ट्र की धरती में मातोश्री में बाला साहब ठाकरे जी के दर्शन करके आऊँ, सेना भवन में माँ भवानी के दर्शन करके आऊँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक ये खुशी का विषय है और मुझे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे जी का, मेरी पूरी टीम जी का, मेरे सत्येंद्र भाई सती जी, उनको उनका मार्गदर्शन मिला, उनका आशीर्वाद मिला, मेरे लिए तो यही बहुत कुछ है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सफर करते हैं समाप्त, विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अपील, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या कोई समस्या है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9594239292।